नमस्ते। आज हम बीए सेकेंड ईयर सेवेंथ पेपर से भारतीय शिक्षा में कर्जन की देन को देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आप मेरे से जुड़ जाते हैं। तो आइए देखते हैं भारतीय शिक्षा में कर्जन की देन को। इसमें जो है भारतीय विश्वविद्यालय के आयोग की नियुक्ति किया, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया, पाठ्यक्रम में सुधार, प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर कार्य किया और आर्थिक अनुदान के लिए कार्य किया। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय विश्वविद्यालय की नियुक्ति। इस नियुक्ति के फलस्वरूप विश्वविद्यालय को पुनः प्रतिष्ठित और शक्तिशाली बनाना, विश्वविद्यालय ज्ञान के प्रसार और विद्या के प्रोत्साहन का स्थान बना। उसके बाद देखेंगे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित करना। तो इस अधिनियम के पारित करने से विश्वविद्यालयों का प्रशासन ठोस और प्रभावपूर्ण बन गया। विश्वविद्यालय का संगठन में जो अनेक दोष था वह मुक्त हुआ। सीनेटों के सदस्य योग्य व्यक्ति होने लगे। सिंडिकेटों ने वैधानिक तरीका अपनाया। विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य शुरू हो गया और सहायता अनुदान भी मिलने लगा। विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेजों के निरीक्षण करने से कॉलेजों के शिक्षा स्तर में विकास हुआ और जिससे छात्र के ज्ञान में पर्याप्त वृद्धि हुई। पाठ्यक्रम में सुधार के लिए कर्जन ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में भारतीय भाषाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया, जिससे भारतीय भाषाओं को नवजीवन मिला। इससे पहले जो भारतीय भाषा था वह उपेक्षित हो रहा था, तो इस तरह से भारतीय भाषा को एक नया जीवन मिला। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर कार्य किया, उसको देखेंगे। प्राथमिक शिक्षा के विस्तार सरकार का उत्तरदायित्व बनाया गया, जिससे प्राथमिक स्कूल की संख्यात्मक और गुणात्मक विकास के लिए भरपूर प्रयास किया गया। इसके अलावा छात्रों का नैतिक विकास, कृषि शिक्षा की व्यवस्था, कला को प्रोत्साहन, पुरातत्व विभाग जो है उसकी स्थापना और छात्रों को विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करने का नियम बनाया। इसके बाद आर्थिक अनुदान को देखेंगे। तो आर्थिक अनुदान के द्वारा विद्यालय की शिक्षा के स्तर और व्यवस्था में उन्नति करना प्रमुख था। इस तरह से आर्थिक अनुदान दिया जाए। तो हमने कर्जन के शिक्षा की जो देन है उसमें देखे, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति किया और विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया, पाठ्यक्रम में सुधार किया, प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर कार्य किया और आर्थिक जो है वह अनुदान के लिए कार्य किया। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।